माँ कालका को नमन करता हूँ, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम, बच्चों को ढेर सारा प्यार। फिर से लेकर हाजिर हूँ साप्ताहिक राशिफल। सबसे पहले बात चंद्रमा की स्थिति की। मीन, मेष और वृषभ में रहेंगे, खासा शुभ है। अब बात मुख्य त्योहारों की। 14 तारीख को योगिनी एकादशी है, नारायण की पूजा अर्चना जरूर कर लीजिएगा। 15 को मिथुन संक्रांति है, सूर्यदेव मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और काफी राहत देंगे। और सप्ताह के अंत संडे को आषाढ़ मास की अमावस्या है, तो जिनके में पितृ दोष वगैरह बना हुआ है वो पूजा जरूर करें। अब बात आपके राशिफल की, जो कि आपको लग्न और चंद्र राशि से देखना, समझना है, सुनना है और शेयर जरूर करना है। और अगर भूल गए हैं तो अब कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो। बात सबसे पहले मेष राशि वालों की। कैरियर में सफलता मिलती दिख रही है, कैरियर में नए रास्ते मिलेंगे, रुके हुए कार्य पूर्ण होते दिखते हैं, स्वास्थ्य ओवरऑल अच्छा दिख रहा है। और खास तौर से अगर देखा जाए तो फैमिली में छोटी मोटी खटपट रहेगी, लेकिन दाम्पत्य जीवन मधुर हो रहा है। माता पिता या भाई बहनों से छोटी मोटी खटपट हो सकती है, प्रेम प्रसंग में भी लाभ दिखता है। धन के मामले में लाभकारी स्थिति दिखती है, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना लाभकारी रहेगा। शुभ तारीख की बात करूं तो इस सप्ताह 13-14 रहने वाली है। महा उपाय की बात करूं, शिव जी को जल अर्पित करें सोमवार के दिन, लाभ मिलेगा। इस सप्ताह भाग्य को मिलते हैं 10 में से 8 अंक। बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों की। कैरियर और व्यवसाय में स्थिति बेहतर है, खर्चे बढ़ सकते हैं बस। कैरियर व्यवसाय में लाभ मिलेगा, कोई पावरफुल व्यक्ति आपको फायदा पहुंचाएगा। कैरियर व्यवसाय में नए रास्ते मिलेंगे, प्रमोशन के चांसेस बढ़ते दिखते हैं। जल्दबाजी में काम नहीं करना है, कोई डिसीजन नहीं लेना है, आर्थिक धर्म अर्थ से रिलेटेड भी। खास तौर से कोई महत्वपूर्ण कार्य अगर इस सप्ताह हो तो उसे टाल देना ही बेहतर रहेगा। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट इस सप्ताह हो उसे टाल देना ही बेहतर रहेगा। बात करें खास तौर से आपके स्वास्थ्य की, छोटी मोटी उठापटक रहेगी, इस वजह से मन अप्रसन्न रहेगा, छोटी मोटी बीमारियां रह सकती हैं, दाम्पत्य जीवन में खटपट बनी रहेगी। शुभ तारीख की बात करूं, 14-15 रहने वाली है। महा उपाय की बात करूं, चावल का दान करिएगा। इस सप्ताह भाग्य को मिलते हैं 10 में से 7 अंक। बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। कैरियर और व्यवसाय में निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। कैरियर और व्यवसाय में प्रमोशन के चांसेस या नई नौकरी मिलने के चांसेस बनते दिखते हैं। विदेश संबंधित चीजों में लाभ होगा, विदेश यात्रा के भी खास तौर से संकेत दिखते हैं। आर्थिक पक्ष मजबूत दिखता है, रुपए पैसे की स्थिति काफी बेहतर, घर गाड़ी बंगला काफी बेहतर मिल होने जा रहा है या कुछ नया खरीदने जा रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में छोटी मोटी खटपट हो सकती है, प्रेम प्रसंग में कोई व्यक्ति आपको चीट कर सकता है, धोखा दे सकता है, ध्यान रखिएगा। कारोबार की स्थिति में सुधार दिखता है, स्थान परिवर्तन हो सकता है, रिश्तों की समस्याएं जो चली आ रही थी वो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर उससे लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य के मामलों में खाने पीने का ध्यान देना है, नहीं तो स्थिति खराब रहेगी। शुभ तारीख की बात करूं, 15-16-17 रहेगी। महा उपाय की बात करूं, हरी चीजों का, हरी चूड़ियों का दान करिएगा। ये सप्ताह भाग को मिलते हैं 10 में से 8 अंक। बात कर लेते हैं भाई कर्क राशि वालों की। तो खास तौर से कर्क राशि वालों, स्वास्थ्य और आर्थिक पक्ष में सुधार होगा, रुके हुए काम पूर्ण होते हुए दिख रहे हैं, कैरियर में लाभ मिलेगा, निश्चित तौर पर कैरियर में मन मुताबिक मुराद पूरी होने जा रही है, आर्थिक पक्ष अच्छा रहेगा, इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक अच्छा समय है, कर्ज लेन देन से बचना है। पारिवारिक जीवन में खटपट, प्रेम प्रसंग में खटपट, दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं दिक्कतें रहेंगी। खास तौर से स्वास्थ्य के मामलों में पेट की समस्या परेशान करेगी। शुभ तारीख की अगर बात करूं तो निश्चित तौर पर 12-13-14 रहने वाली है। महा उपाय की बात करूं, शिव तांडव स्त्रोत का पाठ करिएगा। इस सप्ताह भाग्य को मिलते हैं 10 में से 10 अंक। बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। कैरियर और व्यवसाय में खटपट है, कैरियर और व्यवसाय में अधिकारी वर्ग से दिक्कतें रहेंगी, सप्ताह काफी बिजी रहेगा, व्यस्त रहेंगे, कार्य कुछ अधूरे रह जाएंगे, इस वजह से कॉन्फिडेंस की कमी भी देखी जा रही है। आर्थिक पक्ष हालांकि ठीक दिखता है, रुपए पैसे की स्थिति ठीक है, कहीं से रुका हुआ धन वापस मिल सकता है, और संतान पक्ष की चिंता थोड़ी सता सकती है। फैमिली लाइफ में पति पत्नी के रिश्ते बेहतर होंगे, एक दूसरे को भरपूर सपोर्ट करेंगे, प्रेम प्रसंग में निश्चित तौर पर कोई स्टेबल पार्टनर की तलाश पूर्ण होती दिखती है। स्वास्थ्य के मामलों में माइग्रेन परेशान कर सकता है। शुभ तारीख की बात करूं, 14 और 18 रहने वाली है। महा उपाय की बात करूं तो निश्चित तौर पर रेड कलर का दान करिएगा, रेड कलर की चीजों का दान करिएगा, रेड कलर के कपड़े का दान करिएगा, लाभ मिलेगा। इस सप्ताह भाग को मिलते हैं 10 में से 6 अंक। बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की। निश्चित तौर पर कैरियर व्यवसाय में स्थिति में सुधार आ रहा है, लेकिन कीमती चीजों को संभाल कर रखना है, वहां पर दिक्कत हो सकती है, कीमती रिश्तों को संभाल कर रखना है, अधिकारी वर्ग से बना के रखनी है। आर्थिक पक्ष बेहतर दिखता है, वहां पर कोई गुड न्यूज मिल सकती है, वहां पर कोई अशुभ समाचार मिल सकता है जिसमें लाभ होगा।
पारिवारिक समस्या इस सप्ताह जरूर कुछ दिख रही है, चाहे वो पति पत्नी के साथ हो या घर में और किसी के साथ हो, ध्यान रखिए। दाम्पत्य जीवन में खटपट रहेगी और खासतौर से प्रेम प्रसंग में भी कोई व्यक्ति आपको परेशान कर सकता है। किसी बाहरी व्यक्ति का दखलंदाजी बर्दाश्त मत करिएगा। स्वास्थ्य के मामलों में नसों की समस्या, ब्लड प्रेशर की समस्या या सरदर्द की समस्या परेशान करेगी। शुभ तारीख की बात करूं, 17-18 रहने वाली है। महा उपाय की बात करूं, 1.25 किलो मूंग की दाल छिलके वाली दान कर दीजिएगा, बुधवार के दिन लाभ मिलेगा। इस सप्ताह भाग्य को मिलते हैं 10 में से 5 अंक। बात कर लेते हैं तुला राशि का। कैरियर और व्यवसाय की बात करें तो कोई शुभ समाचार मिलेगा। कैरियर व्यवसाय में कुछ बेहतरी होगा, रुका हुआ कार्य पूर्ण होगा, रुका हुआ धन मिलने के चांसेस है, विदेशों से शुभ समाचार मिलेगा, आर्थिक पक्ष मजबूत दिखता है, रुपये पैसे की स्थिति बहुत बेहतर, शेयर मार्केट में खासा इन्वेस्टमेंट जो आपने कर रखा है उसमें लाभ मिलेगा, रुका हुआ धन मिलने के पूरे संकेत दिखते हैं। बालों की समस्या हो सकती है, स्वास्थ्य में ध्यान रखिएगा। दाम्पत्य जीवन में छोटी मोटी खटपट सकती है, ध्यान रखिएगा। क्या करें भाई, शुभ तारीख सबसे पहले 13-14 रहने वाली है। महा उपाय की बात करूं, दुर्गा चालीसा का पाठ करिएगा। इस सप्ताह भाग्य को मिलते हैं 10 में से 8 अंक। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की। निश्चित तौर पर कैरियर में जबरदस्त सफलता के लोग हैं। कैरियर में कुछ शुभ समाचार मिलने जा रहा है। कैरियर में कुछ बड़ा मार्गदर्शन या मार्ग मिलने जा रहा है जिस पर आने वाली समय पर आप फसल काटेंगे। आर्थिक पक्ष बहुत मजबूत, धन लाभ के उत्तम योग बन रहे हैं इस सप्ताह। निश्चित तौर पर आर्थिक पक्ष में कहीं से भी कोई पैसा आना था वो भी आ जाएगा। पारिवारिक जीवन खुशहाल, प्रेम प्रसंग में लाभ, निश्चित तौर पर संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार मिलेगा। लोग परिजनों की स्वास्थ्य में सुधार होता दिखता है। स्वास्थ्य के मामलों में आप स्वस्थ दिख रहे हैं इस सप्ताह। शुभ तारीख की बात करूं, 15-17-18 रहने वाली है। माँ उपाय की बात करूं, बस हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। इस सप्ताह भाग्य को मिलते हैं 10 में से 10 अंक। बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की। कैरियर व्यवसाय में निश्चित तौर पर किसी इंपॉर्टेंट काम में आप लगाए जाएंगे जो कि पूर्ण होता दिख रहा है। महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण होता दिख रहा है। निश्चित तौर पर वहां पर लाभ भी होगा, आपको पद प्रतिष्ठा भी उस काम की वजह से बढ़ती हुई दिख रही है। धन के लिए अच्छा सप्ताह है, धन योग अच्छे बन रहे हैं, धन लाभ के उत्तम योग बन रहे हैं, आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक अच्छा सप्ताह रहेगा, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। संतान पक्ष से खासा शुभ समाचार मिलेगा, फैमिली लाइफ अच्छी रहेगी, पति पत्नी का सहयोग मिलेगा, प्रेम प्रसंग में लाभ के संकेत हैं। स्वास्थ्य के मामलों में दांतों की समस्या छोटा मोटा परेशानी दे सकती है। शुभ तारीख की बात करूं इस सप्ताह तो भाई 13-15 रहने वाली है। महा उपाय की बात करूं, नारायण कवच का पाठ करिएगा। इस सप्ताह भाग्य को मिलते हैं 10 में से 8 अंक। बात कर लेते हैं मकर राशि वालों। कैरियर व्यवसाय में कोई बड़ा कम्युनिकेशन, कुछ बड़ा डिसीजन टालने की कोशिश करिएगा। लोग आपको परेशान करेंगे, शत्रु हावी रहेंगे इस सप्ताह, ध्यान रखिएगा। आर्थिक पक्ष में भी दिक्कतें रहेंगी और थोड़ा सा वर्किंग जो भी है, लिखा पढ़ी का काम ध्यान से करिएगा। आर्थिक पक्ष में बड़े डिसीजन इस सप्ताह टाल दीजिएगा। पारिवारिक जीवन में खटपट दिखती है, निश्चित तौर पर वाहन ध्यान से चलाना है, माता पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है और दाम्पत्य जीवन में किसी तीसरे की वजह से विवाद ना हो उसका ध्यान रखना है। स्वास्थ्य के मामलों की बात करूं, सर्दी जुकाम बुखार खांसी इन सब का ध्यान रखना है। शुभ तारीख 16 रहने वाली है। महा उपाय की बात करूं तो निश्चित तौर पर जल का दान करिएगा, गर्मी भी बहुत पड़ रही है, लाभ मिलेगा। इस सप्ताह भाग्य को मिलते हैं 10 में से 6 अंक। बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की। कैरियर व्यवसाय में सुधार होता नजर आ रहा है। कैरियर व्यवसाय में स्थिति पहले सप्ताह पिछले सप्ताह से बेहतर होने जा रही है। आर्थिक पक्ष मजबूत है, धन लाभ के योग बनते नजर आ रहे हैं, रुपये पैसे में खास तौर से बढ़ोतरी के चांसेस बनते दिखते हैं। पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, संतान की शिक्षा में बढ़ोतरी होगी, पति पत्नी के संबंध प्रगाढ़ होंगे और खास तौर से प्रेम प्रसंग में किसी भी भरोसा मत करिएगा। स्वास्थ्य के मामलों में थोड़ा सुधार होता दिख रहा है, पुरानी समस्या से निजात मिलती हुई नजर आ रही है। शुभ तारीख 17 रहने वाली है। महा उपाय, शनि चालीसा का पाठ करिएगा। इस सप्ताह भाग्य को मिलते हैं 10 में से 5 अंक। बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। कैरियर में लाभ होगा, कैरियर में चीज़ें आप हमें जितनी मेहनत करेंगे उतनी मिलेंगी, मेहनत खूब करनी होगी। कैरियर में आपकी विजिबिलिटी बढ़ेगी, काम की रुकावट किसी भी काम की दूर होगी, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, रुपये पैसे की स्थिति बेहतर दिखती है, सडन लाभ के अचानक धन प्राप्ति के योग बनते नजर आ रहे हैं। पिता के स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिएगा, पिता के से सलाह लेने पर भी लाभ होगा। दाम्पत्य जीवन मधुर, प्रेम प्रसंग में किसी नए व्यक्ति का आगमन हो सकता है। शुभ तारीख की बात करें 14 रहने वाली है। महा उपाय की बात करूं, खाने की वस्तु का दान करिएगा। इस सप्ताह भाग्य को मिलते हैं 10 में से 7 अंक।
तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करिए, औरों तक पहुंचाइए। आज के फिलहाल प्रतीक भट्ट का बहुत बहुत धन्यवाद।